रूस के ताबड़तोड़ हमले से लगातार कीव जो है वो दहल रहा है, अलग अलग इलाकों में हमला हो रहा है। तस्वीरें देखिए, अलग अलग शहरों की कहानी जो है वो कमोबेश एक तरीके से बार बार इस लाइन को हम दोहरा रहे हैं कि शहर दर शहर अब धीरे धीरे तबाह हो रहे हैं। शुरुआत में कुछ एक इलाकों में हमला हो रहा था, लेकिन अब रूसी फौज अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों को टारगेट कर रही है और उसके बाद धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ती हुई, कीव पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। आप राजेश जिस मिलिशिया का जिक्र आप कर रहे थे वो हम उसको आपके पास आएंगे और समझेंगे और, लेकिन एक बार दर्शकों को हम दिखाते हैं। देखिए रात के वक्त यहां किस तरह सायरन बज रहे थे, खौफ का माहौल जो था वो कितना भयावह था, जरा ये देखिए सुनिए, इससे आपको यूक्रेन की स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। ये हमने आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई, हमने आपको ये आवाजें सुनाई जो रात भर यहां पर रह रहकर आ रही थी। राजेश के पास वापस चलते हैं। राजेश, ये रात भर कीव शहर में सायरन गोलियों की तड़तड़ाहट हमने दर्शकों को सुनाई, ये जरा बताइए कि तीन चार दिनों के बाद जो ये हमला हुए ये क्या संकेत दे रहे हैं इस युद्ध में, क्योंकि हमें यह भी याद रखना है तीसरे दौर की बातचीत जो थी उससे कुछ ठोस नहीं निकला था। देखिए शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि जो बातचीत तुर्की में हुई थी परसों अंतालिया में उससे कुछ ठोस नहीं निकला है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बातचीत लगातार डेली बेसिस पे आगे चल रही है, बातचीत अभी भी डेली बेसिस पे चल रही है। जहां तक साइरन का सवाल है, कीव शहर के अंदर ये यहाँ के लोग अभी आदी हो गए हैं। मैं यहाँ पिछले 12 दिन से कीव में रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये साइरन एक डेली अफेयर है, हर रोज की बात है, दिन में कई कई कार की बात है, तो लोगों को इससे आदत पड़ चुकी है अभी यहाँ पे, इससे कोई खौफ का माहौल ऐसा सच नहीं बनता। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया 6 दिन के अंतराल के बाद कल यहाँ दो बड़े धमाके हुए थे रात को 10 PM पे, छोटे मोटे छुटपुट जो आउटस्कर्ट्स पे लड़ाई है उनकी आवाज भी आ रही थी। जी मैं दोबारा फिर अपनी चीज पे आऊंगा। जी मैं जो मिलिशिया की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा उस पर क्लैरिफाई कर दूं। जैसे मैंने को बताया चेचन मिलिशिया लड़ रहा है रूसी फौज के साथ में, ये कंफर्म न्यूज है, ऐसा हो रहा है और उनका खौफ बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ सिविलियंस में और फौज में बल्कि हर किसी में। इसके अलावा यहाँ तक सीरियाई मिलिशिया को और आइसिस के लोगों का सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास सच्चाई है, क्योंकि ना तो उनको इतना बड़ा अच्छा फाइटर माना जाता है, इतने अच्छे सैनिक माने जाते हैं, ना मुझे लगता है कि रूस इस तरह का कोई डिप्लोमेटिक डिजास्टर वाला कदम उठाएगा, तो इस खबर में ज्यादा दम नहीं लगता।